नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। नीमच के मनासा विधानसभा में देखा जा रहा है कि टिकट आवंटन के बाद भाजपा के पूर्व जो मध्य प्रदेश शासन के जो पूर्व मंत्री हैं कैलाश जी चावला, इनका एक वीडियो वायरल हुआ जहां पर बैठक में किस प्रकार से टिकट को लेकर नाराजगी जाहिर की गई। 26 को कुकड़ेश्वर में बैठक रखी गई, बताया गया किस प्रकार से माधव मारू के कार्यकाल को लेकर भ्रष्टाचार और थाने से बंदी के गंभीर आरोप लगाए गए। इस वक्त हमारे साथ में अधिक जानकारी के लिए जो मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री और भाजपा के नेता हैं कैलाश जी चावला हैं, सजा राजेश जी लड्डा भी हैं, हम इनसे बात करेंगे किस प्रकार की नाराजगी और क्या कुछ कहना है। चावला जी, सबसे पहले एक वीडियो जो वायरल हुआ था, क्या लगता है किस प्रकार की, क्योंकि भाजपा के एक बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, ऐसे में इस प्रकार का बयान आया, क्या कुछ सच्चाई है इसकी? देखिए, पिछले 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के विधायक हैं उनके आचरण ने, व्यवहार ने और उनकी गतिविधियों ने आम जन को और कार्यकर्ताओं को परेशान करके रखा। भारतीय जनता पार्टी के जो मूल कार्यकर्ता है, वरिष्ठ कार्यकर्ता है, जो दो दो तीन तीन पीढ़ियों से काम कर रहे हैं, उनको प्रताड़ित किया हुआ है, उनके आर्थिक नुकसान की तरफ काम किया जा रहा है। आम लोग अगर मिलने जाते हैं तो उनके साथ गाली गलौज की जाती है, कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ खेला जाता है। और उनके कर्मों के बारे में तो मैं ज़्यादा क्या कहूँ, इतने ऑडियो वायरल हैं जो अपने आप में बता रहे हैं कि किस तरीके की उनकी कार्यपद्धति है और किस तरीके के आर्थिक काम उन्होंने किए हुए हैं। इतना ही नहीं, विगत चुनाव में चाहे वो नगरपालिका के चुनाव हो चाहे जनपद के चुनाव हो, उन्हें पार्टी के प्रत्येक अधिकृत प्रत्याशी को हराने के लिए निर्दलीय उम्मीदवार खड़े किए और उसका खमियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा। अगर ऐसे लोग पार्टी का नेतृत्व करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी, जिसको हमारे पूर्वजों ने अपने खून से सींचा है, उसको नेस्तनाबूत होने में समय नहीं लगेगा। ये सब बातें भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के पास पहुंचाई गई, पर अफसोस है उसके बावजूद भी पार्टी ने उन पर ध्यान न देते हुए उन्हें वापस अपना उम्मीदवार घोषित किया है। अब पार्टी के कार्यकर्ताओं में और जनता में जो रोष है, उस रोष की अभिव्यक्ति करने के लिए 26 तारीख को हमने कार्यक्रम किया है। हमारा एक फिर से प्रयास है कि पार्टी को इस बात के बारे में जानकारी लाना कि पार्टी ने जो निर्णय किया है वो पार्टी के मान्य सिद्धांतों के विपरीत है, लोक मान्यता के विपरीत है। पार्टी को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और उम्मीदवार को बदलना चाहिए। अगर उम्मीदवार नहीं बदला गया तो आपका एक बयान भी आया कि निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में, क्या माने कैलाश जी चावला चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, इस बारे में मेरा उद्देश्य न तो चुनाव लड़ना है और न पार्टी के खिलाफ जाना है, किंतु अगर पार्टी इस बारे में मजबूर करेगी और आम कार्यकर्ता के हितों की रक्षा के लिए अगर किसी को कुर्बानी देना पड़ी और कार्यकर्ता जिसे कहेंगे वो इस बारे में उम्मीदवार होगा, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में आज न तो विचार है न विचार किया गया है। 26 तारीख के सम्मेलन के बाद जो स्थितियां बनेगी पार्टी से हम अप्रोच करेंगे, पार्टी को निवेदन करेंगे कि आप पुनर्विचार कीजिए ताकि हम पूरे सब मिलकर मनासा सीट को भारतीय जनता पार्टी की झोली में ला सके। आरएसएस की बात करें तो आरएसएस में आप काफ़ी अग्रणी पंक्ति में आप बैठे दिखाई देते हैं, लोगों से अच्छी पकड़ें, पूर्व में मध्य प्रदेश शासन के गृह मंत्री भी रहे, मतलब भाजपा में भी कद्दावर नेता कहा जाते हैं कि आपकी पकड़ भोपाल से दिल्ली तक है। क्या ऐसे में लगता है कि नीचे के लोग तो ठीक है, ऊपर के लोग भी मतलब सुनने को तैयार नहीं है, या फिर माधव मारू के नाम पर आप इतनी बातें बता रहे हैं तो फिर मोहर कैसे लग गई, बड़ा सवाल है। देखिए, ये तो मैं नहीं बता सकता मोहर कैसे लगी, ये तो इसका सवाल का जवाब तो वही दे पाएंगे, पर हम पुनः एक बार उनका याद दिलाना चाह रहे हैं, कोई भी त्रुटि किसी के गलत जानकारी के आधार पर अगर हुई है, किसी ने मिसलीड किया है और किन्ने उन लोगों ने शीर्ष नेतृत्व में किसी पे भरोसा करके ऐसा निर्णय कर लिया है, तो अभी भी मौका है सुधार लें ताकि पार्टी एकजुट बनी रहे और पार्टी की सीट जीत कर आए और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर बन सके। माधव मारू कह रहे हैं कि विरोध अगर करना है, भारतीय जनता पार्टी अनुशासन की पार्टी मानी जाती है, विरोध अगर कर रहे तो इस्तीफा देके करे, संगठन भाजपा में होकर विरोध क्यों किया जा रहा है, तो क्या आप विरोध करने से पहले इस्तीफा देंगे, इस बयान पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, माधव मारू को ये कहने का हक कहाँ मिलता है? जो आदमी 4 बार पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके वो शैतान मुझे बाइबिल पढ़ाएगा? जो खुद कई बार पार्टी में बगावत कर चुके हैं वो मुझे सिखाई देंगे कि पार्टी का अनुशासन क्या होता है और मुझे इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मेरे बाप दादा ने कभी बगावत नहीं की, न मैं बगावत करने के मूड में हूँ, परंतु क्या हमारा ये भी हक नहीं कि हम अपनी पार्टी के सामने जाकर ये कह सकें कि निर्णय गलत हुआ, उसको बदलाया जाए?
क्या लगता है अब क्या होगा 26 तारीख के, क्या संगठन जो कि जैसे सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ लगातार अभी देखा जा रहा है कि सांसद जी से बात करी वो नो कमेंट की बात करे, जिला जी कह रहे परिवार का मामला है, तो क्या आपकी उनसे बात हुई, वरिष्ठ ऊपर से बात हुई, क्या लग रहा है मतलब ये रणनीति बनेगी या भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? देखिए भारतीय जनता पार्टी को हम नहीं चाहते खामियाजा भुगतना पड़े और इसीलिए हमने समय से पहले इस मुद्दे को उठाया है और भोपाल तक इस बात को हमने पहुँचाने की कोशिश की है। अभी भी हम सम्मेलन के बाद एक बार फिर प्रयास करेंगे कि हम भोपाल जाकर शीर्ष नेतृत्व को बताएं इसको सुधारें और नहीं सुधारें तो फिर उसके बाद जो कार्यकर्ता निर्णय करेंगे वो। लेकिन समय चावला जी बहुत कम है, 26 को आप बैठक करेंगे शीर्ष को बताएंगे, लगता नहीं समय कम है? क्या वाकई में रणनीति बनी चुकी है बगावत करके चुनाव लड़ने की निर्दलीय प्रत्याशी की, या क्या है क्या मंशा? नहीं अभी यह कहना उचित नहीं है, क्या निर्णय होगा ये 26 तारीख को तय होगा और जहाँ तक समय का सवाल है उसके भी कई रास्ते हैं वो निकाले जाएंगे। टिकट नहीं बदला तो क्या फैसला होगा? वो हम पहले ही कह चुके हैं टिकट नहीं बदला तो कोई प्रत्याशी बन सकता है। ठीक है, जैसा कि हमारे साथ में राजेश जी लड़ा भी यहाँ पे संगठन से भी काफ़ी ताल्लुक रखते हैं, राजेश जी जो संगठन की बात की जाती है भारतीय जनता पार्टी अनुशासन की बात की जाती है, आज टिकट आवंटन के बाद विरोध के स्वर दिखाई दे रहे, कार्यकर्ताओं की नाराजगी की बात कही जा रही है, जिस माधव मारू पर कांग्रेस आरोप लगाती थी आज अब भाजपा की परिवार के लोग जो कहते हैं वही उनके खिलाफ मोर्चा खोल रहे, क्या लगता है जीत की राह कहाँ जा रही है? नहीं मोर्चा खोलने की कोई बात नहीं है, जो भी बात थी जनता में थी कार्यकर्ता में थी और जिस प्रकार से 5 सालों में कार्यकर्ता के साथ घटित हुआ तो उसको लेकर हमने उचित फोरम पर पार्टी के विभिन्न शीर्ष नेतृत्व को अलग अलग जाकर व्यक्तिगत रूप से अवगत कराया, तथ्य भी दिए, उसके बाद भी कहीं ना कहीं पार्टी से चूक हुई है और इसलिए कार्यकर्ता चाहता है, जनता चाहती है और हमारा पूरा संगठन चाहता है कि पार्टी इस संबंध में पुनः विचार करे, कहीं ना कहीं चूक हुई है। तो क्या लगता है मतलब सर्वे की जो भारतीय जनता पार्टी जो बात कर रही थी, जो सर्वे की जो बात करी जा रही थी, टिकट आवंटन में सर्वे कराए जा रहे, संगठन आ रहा है, आरएसएस होता है, क्या लगता है मतलब सारी सिर्फ एक औपचारिकता थी क्या? मतलब फिर टिकट कैसे हो गया माधव मारू का, जब आप जितने ग्राउंड पे बात बता रहे हैं, चावला जी भी बता रहे हैं, कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, इस प्रकार की तस्वीरें हैं, तो क्या लग रहा है संगठन ने इसको अनदेखा क्यों करा? कहीं ना कहीं मैंने कहा ना आपको संगठन की चूक है और आपसी संगठन की जो बैठक होती है उसमें कहीं ना कहीं कोई प्रेशर बना कि बागी लड़ेंगे, तो इस डर के कारण पार्टी ने टिकट दिया है। लेकिन मैं पार्टी को कहना चाहता हूं कि बागी वागी कुछ नहीं चलेगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है, किसी व्यक्ति के लिए काम नहीं करता है। और बागी लड़ने की बात है तो इन्होंने 1993 में भी भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ा, इन्होंने 2008 में भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ा, 2013 में भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ा और अभी भी इन्होंने विधायक होते हुए कहा कि यदि मुझे टिकट नहीं दोगे तो मैं तो चुनाव लड़ूंगा। तो ये जो कह रहे हैं कि पार्टी हमारी माँ है, पार्टी किसकी माँ है ये पूरी जनता जानती है, कार्यकर्ता जानते हैं, हम सब लगातार 3 पीढ़ी से काम कर रहे हैं, मेरे पिताजी का पूरा जीवन और मैं 32 साल से विद्यार्थी परिषद के बाद आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में काम कर रहा हूँ, हम पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और आगे भी सिपाही रहेंगे और भाजपा को कहीं नुकसान होने नहीं देंगे। लेकिन पार्टी का जो निर्णय है वो गले नहीं उतर रहा है, इसलिए कार्यकर्ताओं ने निश्चय किया है कि 26 तारीख को कुकड़ेश्वर में दोपहर 2 बजे कार्यकर्ता की एक बैठक है, उस बैठक में कार्यकर्ता जो निर्णय करेंगे उस निर्णय से हम सब जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं हम संगठन को अवगत कराएंगे और उसके बाद जो भी निर्णय होगा वो होगा। जैसे कि सर चावला जी एक अहम सवाल करना चाहूँगा, आप बैठक की बात कर रहे हैं, जिला अध्यक्ष जी कह रहे हैं कोई बैठक नहीं होगी, निर्दलीय कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, क्या लगता है भाजपा के दबाव के आगे आप लोग झुक जाएंगे या कार्यकर्ताओं की मंशा के अनुसार बैठक होगी या नहीं, ये सबसे अहम सवाल खड़ा हो रहा है। नहीं देखिए सम्मेलन घोषित है, सम्मेलन होगा, इसमें 2 मत नहीं है और जहाँ तक जिलाध्यक्ष की बात है उनका अपना एक दायित्व है, उनकी एक मर्यादा है, उनको उसके हिसाब से बोलना है, उसमें हमको कोई इतराज नहीं है, वो चर्चा करेंगे तो हम उनसे भी चर्चा करेंगे, परंतु जो कार्यकर्ताओं के मन की बात है वो हम संगठन तक पहुँचा के रहेंगे। बता रहे हैं सर चावला जी को टिकट नहीं मिला इसलिए इस तरह का विरोध हो रहा है, क्या चावला जी खुद की टिकट के लिए कर रहे हैं, चाहते क्या हैं? देखिए मैं तो टिकट मांगने किसी के पास गया ही नहीं, मैं एक बार न तो भोपाल गया, न एक बार मैं दिल्ली गया, न मैंने किसी को आवेदन किया, न मैंने किसी को फ़ोन किया, तो मेरे टिकट का तो सवाल ही नहीं है। मैं तो पिछली बार से जब मुझे टिकट नहीं दिया था उसके बाद क्राइटेरिया बन गया था इस एज के बाद हम टिकट नहीं देंगे, तो मैं तो पार्टी काम वैसे भी कर रहा था। ये रावड़ी कुली वाले मामले में भी कहीं ना कहीं जो पत्थरबाजी हुई थी उसमें भी चावला जी का नाम ही घसीटा गया था, कैलाश जी चावला इसको करवाने वाले थे, क्या सच्चाई कितनी है इसमें? देखो सच्चाई तो कि जिसके कर्म है उसके सामने आए, अब आज भी पता लग जाएगा, अभी तो चावला जी नहीं गए, जब संपर्क पर जाएंगे विधायक जी
तो उनको समझ में आ जाएगा रावली कूड़ी क्या होता है। जैसा कि हमारे साथ में मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री जो हैं कैलाश जी चावला थे, भाजपा के कद्दावर नेता है, साथ साथ बता दें राजीव जी लड्डा भी थे। कल एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें किस प्रकार से इन्होंने उम्मीदवार को लेकर नाराजगी व्यक्त करी थी, साथ साथ कहा था कि किस प्रकार से विधायक मारू का कार्यकाल रहा है, इसको लेकर कार्यकर्ता आक्रोशित थे। 26 तारीख को कुकड़ेश्वर में एक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, इधर देखा जा रहा है कि माधव मारू से लगाकर माधव मारू ने भी इस पर पलटवार करा, कहा कि इस्तीफे देकर इसके बाद में विरोध करे और कहा कि ये लोग पार्टी के लिए काम करेंगे। अब देखना होगा पूरे मामले में क्या संगठन इस नाराजगी को दूर कर पाएगा, कार्यकर्ताओं की मंशा मायने रखेगी या आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा।